वेलकम बैक नाजीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। नाजीन, हम बात कर रहे हैं चेयरमैन नैब के तकरूर के हवाले से। ब्रेक पर जाने से पहले खुर्रम दस्तगीर खान ने हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया था और इस वक्त साबिक वफाकी वज़ीर कानून जनाब डॉक्टर खालिद राजा साहब ने हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, चेयरमैन नैब का तकरूर बिलाखिर कर दिया गया है। जस्टिस रिटायर्ड दीदार हुसैन शाह को चेयरमैन नैब मुकर्रर किया गया है, लेकिन इसके ऊपर, इनके तकरूर के ऊपर चौधरी निसार अली खान ने खास तौर पर एतराज लगाया था और वो अपोजिशन लीडर भी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था मिसाक जमहूरियत के तहत भी अपोजिशन लीडर की हमायत जरूरी है, उसकी मुशावरत जरूरी है। किस तरह देख रहे हैं आप चेयरमैन नैब के तकरूर को? भाई, जो चेयरमैन नैब का तकरर है उसमें अपोजिशन की जो है ना जी हामी भरी जाना जरूरी है जी, उनका इसमें इकरार बहुत जरूरी है और मेरा ख्याल है इसमें कंसेंट ऑप्शन की होगी, क्योंकि अब अगर जो निसार साहब ने बात की है तो ऑपोजिशन भी कई लेयर है ना जी, उतनी कौन सी लेयर है इतराज कर रही है, कौन सी लेयर है जो इकरार कर रही है। दुरुस्त है, अभी तक नवाज शरीफ साहब ने इसको कंडेम नहीं किया, लेकिन लगता है उनके यहाँ इसकी अप्रूवल होगी। दुरुस्त है। अच्छा, ये बताइएगा राजन साहब, जब साबिक चीफ जस्टिस तो है ही ना जी, हाँ, लेकिन इस वक्त जो ओहदा है ऑफ चेयरमैन नैब जी, उसकी अहमियत वो नहीं रही। हाँ जी, अब तो तमाम इख्तियारात वजीर कानून के पास है जी, और ये एक रस्मी ओहदा रह गया है जो उनसे इनसे इस ओहदे से तकवात थी, अब उनकी तो जरूरत नहीं होगी। वो तो अब तमाम तरह इख्तियार का इस्तेमाल जो है नैब लॉ के ताबे वो वजीरे वजारत कानून करेगी, तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई इतनी बहस की जरूरत है जी। एक ऐसा ओहदा बना दिया, उन्होंने पहले इख्तियार लिए और फिर उन्होंने जज सुप्रीम कोर्ट का तकरर किया है, इसके मुतलक जितना कम कहा जाए उतना ही बेहतर है। अच्छा, नहीं डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि आखिर क्या ऐसी जरूरत आ गई थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, नैब से इतना क्या खौफ था कि उन्होंने पहले सारे इख्तियारात खुद लिए वजारत कानून ने फिर तकरर किया? इसलिए कि नैब एक बड़ा पावरफुल अदारा है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके मुकदमा जेरे तफ्तीश है या जेरे समाप्त है। सही है, तो इसलिए जो चेयरमैन नैब है वो बड़ा, उसको इख्तियार है ऑर्डर करने का, गिरफ्तारी का। सही, तो इसलिए ये कहना कि वो उसका इतनी जल्दी क्या थी, और दूसरी उनकी रिक्वायरमेंट लॉ की थी कि ये ओहदा खाली नहीं रह सकता जी। सुप्रीम कोर्ट ने जोर दिया हुआ था कि आप अपॉइंट करें, सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा किसको अपॉइंट करें जी, जो भी तरीकाकार आपका है, तरीकाकार यही था कि जिसपे वजीर आजम और लीडर ऑफ ऑपोजिशन अग्री करेंगे वो आदमी मुकर्रर होगा चेयरमैन नैब। अच्छा डॉक्टर साहब, तकरीबन एक साल लगा दिया चेयरमैन नैब के तकरूर में। 16 दिसंबर को पिछले साल फैसला आया था एनआरओ के हवाले से और उस वक्त चेयरमैन नैब को तब्दील करने के लिए कहा गया था, ये इतना डिले, ये हुकूमत डिले की पॉलिटिक्स पे क्यों चल रही है? डिले की नहीं है, आई थिंक मसलहत की पॉलिटिक्स है। मसलहत, सही है, बिल्कुल ठीक है। तो ये मसलहत आपको अगले कुछ तीन मसलहत जो है ये हुकूमत वक्त हक होता है। दुरुस्त है, ये तो बिल्कुल आपने सही कहा। ये फरमाइएगा, ये मसलहत अगले 3-4 माह आपको चलती हुई नजर आ रही है? मसलत तो एक, ये जो मसलत है ना जी जी जी, ये 13 अक्टूबर के तनावे वाली मसलत है जी। हाँ, तो उसके बाद आप पता, जब तारीख पड़ गई किसी खुशियां मनाते। दुरुस्त है, बिल्कुल सही। तो, तो जब 13 के बाद तारीख पड़ेगी जी जी, तो फिर देखे क्या तरह, दिस इज कॉल्ड डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन। एग्जैक्टली, तो ये जो कहा जा रहा है डॉक्टर साहब की हुकूमत को 2 से 3 महीने का वक्त मिल गया है, ये आपको लग रहा है कि वक्त बढ़ जाएगा या वाकई 3 महीने की मुद्दत? ये 2-3 महीने का होगा, हफ्ता ब हफ्ता। हफ्ता ब हफ्ता, सही, यानी कोई भी हफ्ता अहम हो सकता है। हर हफ्ता अहम होगा, हर हफ्ता हम होगा, बिल्कुल ठीक है। अच्छा नहीं डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है, कुछ उस हवाले से आपका मैं तजिया चाहूंगा कि नवाज शरीफ साहब इस सियासत के अंदर काफी हद तक मंजर से आउट हैं। आज पीर पगाड़ा साहब ने कहा है कि मैं खुद चल के नवाज शरीफ साहब के पास। कैसे आउट है? उनके पास सरकार की बुलेट प्रूफ गाड़ी है। सही, अभी आउट है। दुरुस्त है, बिल्कुल ठीक है। अगर सरकार की बुलेट प्रूफ गाड़ी उनके पास हो तो आप उन्हें आउट कहेंगे। बिल्कुल सही है, यानी इकट्ठे हैं ये दोनों, अपोजिशन कोई नहीं है, फ्रेंडली अपोजिशन है। सही है। अच्छा नहीं, ये जो फ्रेंडली अपोजिशन है, आपको ये इत्तेहाद कुछ मजीद अरसा चलता नजर आ रहा है? ये चलेगा जी। अच्छा, लेकिन ये जो मुस्लिम लीगों को इकट्ठा करने की कोशिश हो रही है उसमें नवाज शरीफ का कोई किरदार देख रहे हैं आप? उसके बगैर तो इकट्ठे हो नहीं सकते ना। तो यानी ये पीर पे गाड़ा सारी एफर्ट कर रहे हैं उसमें आपको नवाज शरीफ भी नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, उनके बगैर तो नहीं होगा।
और परवेज मुशरफ इज अ लीडर ऑफ अ मेजर पॉलिटिकल पार्टी। जी हाँ एग्जैक्टली। अब ये रहता बात है कि आपने जो मौजूदा तनाजर है सियासत का, आपने उनको ना ही में ना शी में गिनते हैं, लेकिन हम तो बहुत है ना। जी दुरुस्त है। तो परवेज मुशरफ को भी कुछ आप रेटिंग दे रहे हैं इस मंजरनामे में? आई थिंक दैट्स टू अर्ली, उनका भी वक्त लगेगा उनको इसमें सारे आने में। दिस इज माय असेसमेंट, आई कुड बी रॉन्ग, मैं गलत भी हो सकता हूँ। दुरुस्त है। तो डॉक्टर साहब ये जो 13 अक्टूबर से शुरू हो रही है समाअत, इसका मतलब है कि उसमें भी कुछ वक्त लगेगा नजर सानी के हवाले से? नहीं होगी। ठीक हो गया, बिल्कुल सही, तारीख पड़ जाएगी, तारीख पड़ जाएगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, इंशाल्लाह आपसे फिर रब्ता होगा। जिला साबिक वफाकी वज़ीर कानून सीनियर कानूनदान डॉक्टर खालिद रांझा हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर गुफ्तगू कर रहे थे। उनका मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से काफ़ी दिलचस्प तबसरा था। उनका यह कहना है कि हफ्तावार अब तारीखें दी जाएंगी हुकूमत को, आगे से आगे टाइम दिया जाएगा, लेकिन अगले 2 से 3 माह बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। उनका यह कहना है कि जब अगली तारीख पड़ती है तो बहुत ज़्यादा खुशी मनाई जाती है, इस लिहाज से हुकूमत को मुतमईन होना चाहिए। अलबत्त उनका यह भी कहना है कि हुकूमत की मसलहत की पॉलिसी है जो पिछले 2.5 साल से जारी है और शायद अगले काफ़ी अर्से तक भी चलती चली जाए, इसे डे टू डे पॉलिटिक्स का उन्होंने नाम दिया है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर नाज़रीन सियासी मामला जिस कदर तेज हो गए हैं, अब तो वाकई डेली की पॉलिटिक्स होती है। जिस तरह शेख रशीद कह रहे थे कि अब बॉल टू बॉल कवरेज होती है, इसी तरह रोजाना की बुनियादों पर सियासी फैसले भी किए जाते हैं और फैसलों में तब्दीली भी की जाती है। चेयरमैन नैब की तकरीर को पाकिस्तान के मुख्तलिफ तजिया निगार और मुबसरीन किस तरह देखते हैं, इस पर मजीद बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। देखते रहिए व्यू पॉइंट।